रहता है, हॉस्पिटल जाने के लिए बैठे रहते हैं, दूध लेने के लिए बैठे रहते हैं, और कोई जानवर बीमार हो जाए तो उसके लिए बैठे रहते हैं। अब डॉक्टर भी चली गई, इंजन मैडम का ट्रांसफर करा दिया शास्त्री नगर, बताओ तो हम क्या करें। ये विश्वास का न्योता है, आपका सोना कहीं से भी खरीदा गया हो, आपके पुराने सोने का सबसे अच्छा मोल जहां मिले, इस सफर पर हम और आप हर कदम साथ चलेंगे। ये तनिष्क का न्योता है, ये टाटा का भरोसा है। अब ऐसी रहती हूँ भैया, क्या करें, अब कोई यहाँ सुनवाई तो होती नहीं, मैं अंदर आओ कुछ देखने आते नहीं है, और बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं, अब ना तो बच्चों के कब तक छुट्टियाँ कराए, और हम लोगों को भी बहुत परेशानी होती है सर, और हमारे जो जाते हैं बिजनेस नौकरी पे जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं भैया, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मैं अंदर आओ कह रहे हैं, यहाँ पे डोली खिंचवा दो, अब बताओ हम कहाँ से जाएंगे, बताओ सर है, और यहाँ पे बिल्कुल 2 महीने हो गए सर, और पानी बह रहा है, क्या कीचड़ में से निकल के जाऊँ, कहाँ से जाऊँ, रास्ता नहीं है, यहाँ पे इतनी गंदगी पड़ी है, अब इसको सुनवाई करो, कोई किसी को बुलाओ, यहाँ रोड बनवाओ मेरे, और निकलने की सुविधा कराओ, कितना पानी भर रहा, बच्चे बीमार पड़ रहे, बड़े बूढ़े सारे ऐसे हो रहे हैं, अब इतना पानी भर रहा, कहाँ मकान बनाऊँ जाके बताओ, और जब बोर्ड लेने के लिए आ जाते तो बोर्ड हाथ जोड़ जोड़ के बोर्ड लेने के लिए आते, जो करवाएंगे वो करा, क्या करवाया, कुछ भी नहीं, कोई देखने नहीं आता सर यहाँ पे कोई भी। कितनी कॉलोनी है यहाँ पे? यहाँ पे है तो कॉलोनी है, ये तो इधर देखो सारी कॉलोनी है, अब यहाँ से हमारा तो रोड है सर, अब रोड नहीं है तो कहाँ से निकल के जाओ, वो तो भैया ने मिट्टी डलवा दी है, तो यहाँ से मिट्टी से निकल के थोड़े ऐसे निकल के जाते दो पैर रास्ता करके, और तो क्या करूँ, अब पानी में से निकल के जाते सर। कौन है यहाँ का पार्षद? महेंद्र राव है सर। किस तरह से चुनाव में वादे कर रहे थे आप? अब वादा तो क्या कि रोड बनवा देंगे, जे करवा देंगे, अब जब यहाँ पे कचरा डालने की रास्ता के लिए यहाँ सारा गंदगी होती है कि उनको ले लो, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, देखने तक नहीं आते, फोन करके भी उधर मीडिया वाले उनको कि बुलवाएंगे, जे कर यहाँ कचरा पड़ा रहता है, समुदाय भवन वाला सारा उड़ उड़ के आता सर, अब तो बीमारी नहीं होगी तो क्या होगा यहाँ पे, अब हम लोग बोलते हैं तो कोई सुनवाई नहीं करते, पार्षद किस चीज का पार्षद है? सीमा मिश्रा, ये अशोक नगर गली नंबर 3, तो आगे के हालात भी खराब हैं, बच्चे पानी में से जा नहीं सकते, वार्ड नंबर 34 है, और ना बच्चों को छोड़ो छुट्टियां करवानी पड़ती हैं, यदि पीछे से जाएं तो गड्डी मलियान ने नाला खोल रखा है, हम 2 महीने से ज़्यादा परेशान हैं, मच्छरों से परेशान, कीड़े मकोड़ों से परेशान, सांपों से परेशान, सबसे परेशान चल रहे हैं, यदि ये पानी भर नहीं बनवा सकते हो तो उसको बेचो, इसका इंतजाम करो, हम भी तो बार बार थोड़ी ना मकान बनवाएंगे, रोज़ सीलन आ रही है मकानों में, रोज साले हम हर साल साले 1-2 लाख रुपए लगाते हो, तो हम खाएं के जोड़ेंगे मकानों में लगाएं, अच्छा हम परेशान है, कुल मिला के हमको कहीं से भी रास्ता नहीं मिलता, ना गड्डी मनियान की तरफ से मिलता है, हॉस्पिटल जाने के लिए बैठे रहते हैं, दूध लेने के लिए बैठे रहते हैं, और कोई जानवर बीमार हो जाए तो उसके लिए बैठे रहते हैं, अब डॉक्टर भी चली गई, वो बंद भी करवा दिया, बंद करा दिया पशु चिकित्सालय, गुंजन मैडम का ट्रांसफर करा दिया शास्त्री नगर, बताओ तो हम क्या करें। कौन है यहाँ का पार्षद? महेंद्र राव। अच्छा, तो क्या वोटों में क्या बोलते जाते हैं? वोटों में क्या बोल के जाते, सभी हाथ जोड़ जोड़ के जाते हैं, फिर आ जाएंगे हाथ जोड़ने के लिए, काम कुछ करते नहीं है। किस तरह से चुनाव में वोट जो मांगना है आप लोगों से, क्या काम करेंगे? सड़कें बनवाएंगे, आपकी समस्या सारी हल करेंगे, आप मैडम चिंता मत करो, और क्या करें, हम तो भैया आपके पीछे ही है, जो ये करेंगे राजनीतिक वाले उसी के पीछे, हमें तो वोट देने से मतलब है, दे आते हैं, बाकी ये जो काम करा रहे हैं हम निजी खर्चे से करवा रहे हैं, और ये बाकी जो काम चल रहा है ना सारा, ये हमारे खर्चे से, निजी खर्चे से चल रहा है, पार्षद ने आके देखा ही नहीं कि दवाई छिड़कवानी है, कि ये पानी क्यों भर रहा है, इसमें भर्ती करानी है, क्या कराना है, और भाई ये जमीन नहीं कोई बेच रहा है, तो इधर एक बच्चों के लिए गार्डन बनवा दो, सरकार अपने कब्जे में ले ले। ये गड्डी मालियन सामुदायिक भवन पशु चिकित्सालय रामगंज के सामने से है, मतलब गड्डी के अंदर, यहाँ पिछले 2 महीने से पानी लगातार निकल रहा है, या मतलब आने जाने का रास्ता नहीं है, ठीक है, और यहाँ से कोई भी बच्चे स्कूल जाते हैं तो गिर जाते हैं पानी में, ड्रेस गंदी हो जाती है, उनकी छुट्टियाँ करवानी पड़ती है, और जब हम महेंद्र राव जो हमारे पार्षद हैं वार्ड नंबर 34 के बीजेपी के, तो जब हम उनको बोलते हैं तो वो यही कहते हैं कि ये मतलब ये आप लोगों का रास्ता नहीं है, मतलब ये चीज़ है, और यहाँ से नाला तोड़ के उन्होंने, यहाँ पर जो नाली है उसको उन्होंने जैसे भी बुला के वहाँ से तोड़ा के सारा पानी इधर छुड़वा दिया उन्होंने, और उसके अलावा अभी उन्होंने हाल ही के अंदर जो हमारा पशु चिकित्सालय है यहाँ पर, उस पशु चिकित्सालय के कोई लेटर पे लिख के उन मैडम का ट्रांसफर करवा दिया है शास्त्री नगर, और वो पशु चिकित्सालय हमारा बंद है, आज अभी यहाँ जो भी पशु लेके आ रहे हैं वो पशु पालक वापस यूं ही जा रहे हैं यहाँ से, जानवर बीमार जानवर को लेके, तो हम प्रशासन से यही कहेंगे कि हमारी समस्या को पूरी हल की जाए, और ये जो भी अभी यह कार्य कर रहे हैं मेरे अपने निजी खर्चे पर सारा काम करवा रहा हूँ यहाँ पे मोहल्ले वालों के लिए, कि ताकि इनका रास्ता वगैरह सही हो जाए, पानी की व्यवस्था सारी हो जाए, और बच्चे कॉलेज स्कूल में जाते हैं तो उनकी रोज छुट्टी हो जाती है, पानी में से निकले कैसे वो भाई, बच्चे साइकिल कैसे लेके जाए, चारों तरफ से पानी पानी हो रहा है, खड्डे हो रहे हैं जगह जगह, और ये कचरा डिपो इन्होंने यहाँ लगा दिया एक,
नगर निगम का उस कचरा डिपो का सारा कचरा बह के यहाँ सामने आ जाता है। ये भाई इस कचरा डिब्बे को भी है, इसको भी नगर निगम को साइड में करना चाहिए। बीमारी किस तरीके से फैल रही है? मलेरिया है, बहुत सारी बीमारी है, मतलब वायरल फीवर हो रहे हैं, फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं बच्चों को, क्योंकि गंदे पानी में से निकल रहे हैं, दाग खुजली हो रही है। मेरा नाम है धर्मेंद्र सुईवाल। कौन सी जगह है ये? गड्डी मालियन सामुदायिक भवन सुईवाल डेयरी फार्म से मैं बोल रहा हूँ। धर्मेंद्र साहब, बहुत खराब हालात है यहाँ के, यहाँ से जो भी निकलना चाहे वो निकल नहीं पाता है, सबका यानी कि टाइम खराब होता है, उनको लंबी दूरी से घूम के जाना पड़ता है। पहले यहीं से निकल जाया करते थे, अब वो लोग बाग वहाँ दूर से घूम के जाना पड़ता है, क्यों यहाँ पशु चिकित्सालय भी है और सरकारी डिस्पेंसरी भी है, तो यहाँ से पहले लोग बाग निकल जाया करते थे और अपना इलाज वगैरह करा लेते थे, पशुओं का भी इलाज हो जाता था। हालात में जाना, हालात ये देखो आप, गंदगी फैला रखी है पूरी है, पूरा पानी यहाँ छोड़ रखा है, ये कोई रोड वगैरह था पहले सही था और अब ये पूरा हालात खराब हो गए हैं है? और ये नाला भी नहीं है यहाँ पे, जबरदस्ती वो नाला तोड़ के वो नाले का पानी इधर छोड़ दिया गया है।